चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये योगी जी या बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है, अब बताओ क्या करें भाई। इनके बेईमानी का पता नहीं था कि इतने बड़े बेईमान और झूठे हैं जी। लोगों को इनके झूठ का पता नहीं था कितने बड़े झूठे हैं ये। युवा सड़कों पर नहीं देखा, रेस मार रहा, भाग रहा, बस बराबर भाग रहा, उम्र निकट ली, नहीं पता के है के नहीं है। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं थाना भवन विधानसभा सीट के दरगापुर गांव में। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो चुनाव की हलचल पूरे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है। आज हम इस गांव में आए हैं और यहां के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को लेकर इस बार उनके क्या क्या मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। जी आपका नाम, अभी यूपी में चुनाव आ रहा है तो क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे और किसको वोट कर रहे हैं इस बार? भाई हम तो लोकदल को वोट करेंगे। क्यों? बीजेपी ने कुछ नहीं कराया यहाँ से, प्रदेश में हमारे यहाँ तो कराया ही नहीं कुछ भी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, मतलब मजा आ रहा होगा भाई हमारे गांव में तो, हमारे अलावा दूर को तो कहीं हुआ नहीं, सब किसान परेशान हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे भाई? मुद्दे तो ये है कि पेमेंट नहीं मिलते जी, जो फसल है यहाँ से किसानों का मुख्य धंधा है, वही उद्योगपतियों के पल्ले में पड़ा सारा पैसा, मैं देते नहीं टाइम पे, किसान मजबूर है, काम होता नहीं, बिजली का पहले चाह, फोन का पहले चाह, तेल वाले को पहले चाह, खाद वाले को पहले चाह, जी फसल तैयार हो, और हमारा पड़ा पेंडिंग उधार में एक साल हो गया, पैसा मिलता नहीं, बता कहाँ लग के करेंगे लोग। योजना चलाई हुआ जिसमें 6,000 रुपये मिलते हैं, तो उससे कुछ फायदा हो रहा है किसानों को? अरे सुन तो ऊँट के मुँह में जीरा, 2,000 रुपये तक के हो जाएगा, एक बच्चे की फीस बन जाती है, एडमिशन कितने रुपये में हो बच्चों का बेचा, एक बच्चे की एक महीने की फीस भी नहीं जाती, गाड़ी वाले ले ले 1,000 रुपये महीना, तो 1,000 स्कूल की फीस के, अब एक छोटा सा बच्चा टाई बांध के बैठा तो कोर्स भी नहीं बनता उसका, 2,000 रुपये में क्यों कर लगा किसान। क्या लग रहा है इस बार यूपी का चुनाव आ रहा है? यूपी का तो बदल रहा है जी भैया। अच्छा, क्या बदल रहा है, क्या सरकार बदलेगी या कुछ बदलाव यूपी के विकास में हो रहा है? उम्मीद है, 100% उम्मीद है सरकार बदलेगी। बदलेगी क्यों बदल रही है वो सरकार? सरकार तो किसानों की वजह से बदली जा गई। ये योगी जी या बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है, अब बताओ क्या करें। जनता जनता का तो पागल बन गया जी। जब पिछली सरकार थी उससे ज़्यादा महंगी है या सस्ती हुई? महंगी तो है ही है भाई, सारी चीज़ों में महंगी है। तो वोट तो करते होगे ना आप है? वोट तो डालते होगे ना। हाँ तो इस बार कहाँ पे आप वोट दे रहे हैं? वो तो भाई अपना मर्जी में दे। बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव को? चुनाव तो गठबंधन की सरकार आओगी। अच्छा ये बताइए पिछली बार कहाँ पे वोट किया था जी? पिछली बार लोक दल। अच्छा, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, लड़कियां भी रात को स्कूटी पे निकल अच्छा जी। तो बतेरी भाग रही है, बतेरी बन रहे। अच्छा, होती है चोरी नहीं हो रही, ये तो सारा काम हो रहा है, गुंडागर्दी कहीं नहीं खत्म हुई, बता क्या रोक दिया गुंडागर्दी उन्होंने। उत्तर प्रदेश में दो भर्ती आई, एक 55,000 की, एक कुछ 42,000 की शायद यूपी पुलिस की जी। दो भर्ती के बाद में इसमें 5 साल में कोई भर्ती नहीं उत्तर प्रदेश में, न वीडियो की है न पटवारी की मार गई, रोजगार खुल जा जे हम तो। अच्छा, अपने लॉकडाउन में जो है आर्मी की उम्र निकल गई बच्चों की, 12 भर्ती मिली थी, खत्म हो गया। केंद्र की कोई नौकरी आई नहीं, केंद्र की कोई नौकरी नहीं, रोजगार नहीं मिला जी। युवा सड़कों पर नहीं फिर रहा, रेस मार रहा, भाग रहा, बस बराबर भाग रहा, उम्र निकट ली, नहीं पता के है के नहीं है। अभी यूपी टेट का पेपर भी हुआ था, वो लीक हुआ था? वो लीक नहीं हुआ, नहीं हुआ, कैंसिल करा अपना आप जाने का। क्यों? जहाँ कैंसिल कर दिया, सब बच्चे बोल रहे पेपर तो करने लायक था, बहुत आसान इफ चुनाव है, पेपर करवाना तो नहीं, वो फिर नौकरी देनी पड़ेगी उन्हें युवाओं को। झूठ का पुलिंदा है इनका, इन्होंने कोई रोजगार दिया न इनके पास रोजगार है, बताओ कहीं में रह गया रोजगार, रेल इन्होंने बेच दी, सब कुछ इन्होंने बेच दिया, रोजगार कहाँ रह गया? रोजगार अगर है कृषि में है उसी की तरफ उनका हिसाब नहीं है। ये देखो एक बात बताओ, भारत कृषि प्रधान देश कहलावे, जब तक कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है यहाँ, जब तक कृषि ठीक नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही चलेगा, देश का बेड़ा गर्क करना है इन्हें,
बेड़ा करके रहेंगे, इन्हें 5 साल और कर लो बेड़ा करो। हिंदू मुस्लिम तो यही तो करेंगे, और कौन करेगा? वाजपेयी तो करेंगे हिंदू मुस्लिम, इनके पास चार ही तो चीज़ हैं कहने के लिए, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर या पाकिस्तान। जो किसान के उत्पादित चीज़ हैं, गेहूँ हुई, मुंजी हुई, इनकी कम वो है, पेमेंट इनका नहीं हो रहा, महंगाई महंगाई, और किस क्या है इनके पास ये बताओ जी, सब चीज़ उन्होंने बेच ली, महंगाई बढ़ेगी। 14, 17 और 19 में बीजेपी को एक तरफ इधर से वोट मिली थी भाई, इनके बेईमानी का पता नहीं था कि इतने बड़े बेईमान और झूठे हैं जी। लोगों को इनके झूठ का पता नहीं था कितने बड़े झूठे हैं ये। आदमी सोच रहा है 10-5% झूठ बोल दिया हो, इन्होंने बोल रहा था 101% झूठ जी। उस झूठ में लोग बाग चक्कर मार के 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, बाहर का काला धन आ जाएगा। अच्छा जी, इस तरीके से किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, छोड़ दिए थे। अच्छा, किसानों की आमदनी है पहले से, आज जो है अगर 100% आमदनी थी किसान की तो आज वो 25 रहेगी। अच्छा, टेलीविजन पर भगत रहे हैं। तो इस गांव में ज्यादातर लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार चुनाव में? मोदी के खिलाफ रहे सब। चुनाव आ रहा है यूपी में, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? योगी बनाऊंगा। बताइए भाजपा के कुछ काम गिना दीजिए कि ये भाजपा कर रही है जी। सड़क बनवा गिरी जी, एक तो अनुशासन जोरदार है इनका। अच्छा, अनुशासन कह लो या कह लो एंड ऑर्डर जो भी है। अच्छा। और भाई एक रास्ते वास्ते सड़क उड़क का कमाल कर रही, बहुत जोरदार काम। कृषि कानून लेके आई थी, उनको क्या लगता है आपको, मतलब अब वापिस भी ले लिया उन्होंने? हाँ। क्यों इतने दिन बाद क्यों वापिस उन्होंने ले लिया? जिस टाइम ले लिए, चुनाव है मुद्दा, चुनाव है, चुनाव आ गए, चुनाव ना लेते हो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता जी। फिर ले ही नहीं थे, फिर गुंजाइश खत्म हो गई थी, टाइम भी काफी हो गया था। देखा जा रहा है कि बार बार बैंकों का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट का निजीकरण, तो उससे नौजवान के भविष्य पर किस तरह? बैंक वाले 2 दिन की हड़ताल रखी पीछे बैंक वालों ने निजीकरण के ऊपर, रेलवे प्राइवेट में दे दी। रेलवे कोई ग्रुप डी की भर्ती 2018 में फार्म भरे गए थे, उसका अब नोटिफिकेशन आया कि अपने कागज वगैरह चेक कर लो दोबारा, फार्म ठीक है नहीं है, ठीक है के नाम की आया दोबारा भी, इसके कोई पेपर वगैरह का नहीं है कुछ भी, सब भर्ती कैंसिल चल रही बराबर, कोई कहीं में भर्ती नहीं है। हम अभी थाना भवन विधानसभा सीट के दरगापुर गाँव में थे, हमने यहाँ के लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि इस बार हम सरकार को बदलेंगे और नई सरकार को लाएंगे। धन्यवाद।